महानगर जिले से एक बड़ी खबर है। जिले में जमकर हो रही स्टाम्प की कालाबाजारी। जिले के तहसीलों में धड़ल्ले से स्टाम्प वेंडरों और जिम्मेदारों की सह पर चल रहा कालाबाजारी का खेल गंदा खेल। डुमरियागंज तहसील के स्टाम्प वेंडरों का स्टाम्प बेचते वीडियो हुआ वायरल। सरकार की जीरो टॉलरेंसी नीति की धज्जियां उड़ रही तहसील प्रशासन के जिम्मेदारों द्वारा। सामने आया सरकार की जीरो टॉलरेंसी का जनाजा। 10 रुपए का 100 रुपए का 50 रुपए का 140 रुपए व 100 रुपए का स्टाम्प पेपर 500 से 700 रुपए में धड़ल्ले से डुमरियागंज सहित सभी तहसीलों में बिक रहा स्टाम्प पेपर। जरूरतमंदों की जेब पर डाका डाल रहे स्टाम्प वेंडर व तहसील प्रशासन के जिम्मेदार। प्रशासन जानबूझकर बना मूक दर्शक। जिलाधिकारी दीपक मीणा का बयान, ADM के नेतृत्व में वेंडरों की मीटिंग कराकर दोषियों पर कार्रवाई की कही बात। और जो कड़े निर्देश हैं वो देख लिए जाए और उसको ध्यान दे। अगर ये शिकायत तो नहीं आती है तो उसके बाद जो भी व्यक्ति सब चीज़ों में संलिप्त रहेगा उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा।